अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई थे एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम दिलो खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। देखिए, जिन लोगों के प्लॉट एग्जेक्टिव में थे, 17 लाख वाली फाइल, 18 वाली फाइल, 20-21 लाख वाली फाइल, और वो नॉन पोजेशनेबल लैंड थी और लिटिगेशन में थी, अब ये हुआ कि उनको जो है ऑटोमेटिकली ओवरसीज वेस्ट में या एग्जेक्टिव वेस्ट में कहीं पर भी जो भी ब्लॉक्स हैं उनमें शिफ्ट कर दिया गया, उनको प्लॉट नंबर मिल चुके हैं, लोकेशन मिल गई है, प्लॉट नंबर मिल गए। अब दो तीन चीज़ें बड़ा क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, ऑन ग्राउंड सिचुएशन बता रहा हूँ। ऑन ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल ये ही है भाई कि अब प्लॉट नए मिल चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे हुए ना, आपने पे किए हैं, तो अब वो डेवलपमेंट चार्जेस इसमें बाद में लगेंगे। कितने लगेंगे? मे बी लाख सवा लाख लगे, एथिकली तो लाख सवा लाख लगने चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट को इन प्लॉटों पर सिर्फ लाख सवा लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगाने चाहिए, क्योंकि इनका कसूर नहीं है कि इनके प्लॉट जो है बाद में मिले, इनका कोई कसूर नहीं है। बाय बुक टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाए ना, तो टर्म्स एंड कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए सोसाइटी के पास बड़ी प्रिविलेजेस होती हैं। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, बाय बुक अगर स्मार्ट सिटी चाहे तो ये कह सकते हैं जी हमने 3 लाख लगा दी, 3.5 लाख लगा दिए, हमने उस वक्त बुकिंग दी थी, अब हम प्लॉट दे पा रहे हैं, सोसाइटी को आप कुछ नहीं कर सकते, रियलिटीज हैं। लेकिन ऑन एथिकल वैल्यूज, ऑन मॉरल वैल्यूज, और स्मार्ट सिटी इतना बड़ा ब्रांड है, आप स्मार्ट सिटी को एटलीस्ट इन फाइलों पर, इन प्लॉटों पर लाख सवा लाख से ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगाने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जिस तरह ओवरसीज क्राइम वन में 17 महीने में दे दिया था पोजेशन, तो एटलीस्ट इन लोगों को 17-18 महीने के अंदर मजीद पोजेशन दे दें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। 16-17-18 की फाइलें हैं, 18 की फाइलें लगा लें आप, 6 साल तो हो गए, 2 साल चले और सही, मान लिया 8 साल, बस इससे ज़्यादा मजीद 5 साल और कर लेते हैं ओवरसीज वेस्ट, और उसमें भी फिर 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस, तो ये बहुत बड़ी ज्यादा हो जानी है। ये डेफिनेटली कर कोई कुछ नहीं सकेगा, कोई एंड यूजर कुछ नहीं कर सकेगा। मैं स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप ये जरूर करें कि जिनके पास एग्जेक्टिव की पुरानी फाइलें हैं, वो पहले उन्होंने 6-6 साल इंतजार किया है, उनकी फाइलें वैलिड थी लेकिन कोई नई प्लॉट मिले ना डेवलपमेंट चार्जेस लगे, उनको अगर टाइमली मिल जाते प्लॉट और डेवलपमेंट चार्जेस दे के पोजेशन लेके घर बना चुके होते हैं, लेकिन वो फंसे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जिट कर गए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो साबित कदम है, अब उनको उठा के शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह पर, अब वहाँ पर उनको वो ये डिजर्व करते हैं कि जल्द अज जल्द उनके प्रॉपर सेक्टर्स जल्द अज जल्द डेवलप हो और उनमें डेवलपमेंट चार्जेस कम से कम लगें, एटलीस्ट उनका हक ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की जो स्मार्ट सिटी में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोड के उस तरफ की हुई है, अब उनको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, भले बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन होंगी लॉन्ग रन पर, लेकिन एटलीस्ट जल्दी प्लॉट मिलना उनका हक है, क्योंकि अभी भी 6-7-8 साल लगने हैं उस पूरी जगह को, दूसरी वाली साइड को आबाद होते हुए। अब DHA के अंदारा कब आता है, एस्टैब्लिश कब होता है, वो कब बनता है, लॉन्ग रन इवैल्यूएशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन द शॉर्टर रन अभी भी 6 साल वो गुजार चुके हैं। आई गेस के उनके लिए बेहतर ये है कि 2 सालों के अंदर अंदर अब उनको प्लॉट्स मिल जाने चाहिए और डेवलपमेंट चार्जेस कम से कम होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबरान को हमेशा ये शिकायत रही है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, और बहुत सारे यूट्यूबर्स उनकी बात की भी नहीं है। मैंने हमेशा से, जब से मैं ब्लॉगिंग करूँ, मुझे 3 साल ऑलमोस्ट पूरे होने लगे हैं, 2.5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है, और मैं स्मार्ट सिटी की ब्लॉगिंग कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। मैंने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबरान के लिए हमेशा आवाज़ उठाई, और मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि सब्र करें, सब्र करें, जिस दिन रिवॉर्ड मिलेगा उस दिन बेहतरीन मिलेगा, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जब वहाँ पे DHA गंदारा बनना है, बाकी चीज़ें एस्टेब्लिश होनी है, ये प्लॉट आपको सस्ते तरीन पड़ने, क्योंकि बाकी प्लॉट सब 40-40 लाख रुपये की वैल्यूशन पे है। आई विश डेवलपमेंट चार्जेस कम से कम हो, एक वक्त आएगा कि ये आपको इतने लाख का मुनाफा देंगे, ये सारे प्लॉट या कमर्शियल भी हैं, ये इतने लाख का मुनाफा देंगे कि आप सोच नहीं सकते, आपकी वो सारी 6-7-8 साल की मेहनत, सब्र, इन्वेस्टमेंट, वो इतना ज़्यादा आपको ROI देगी कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ हमने इतना इंतजार किया, हम आपको थोड़ा बहुत और करना है, क्योंकि अगर आप एग्जिट लेते हैं यू हैव टू गो ऑन अ लॉस, आप लॉस पे जाते हैं, यू हैव नो अदर चॉइस। लेकिन जब आप सस्टेन करते हैं, साबित कदम रहते हैं, थोड़ा और सब्र करते हैं, हौसला रखते हैं, तो एक टाइम आ सकता है कि आपके यही प्लॉट्स आपको लाखों रुपये का मुनाफा देंगे, और ये सारे के सारे सालों की जो कॉस्ट है ये आपको विद प्रॉफिट इंशाल्लाह रिटर्न होगी। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड, अस्सलाम हाफिज़।